Hey, good evening everybody. What's up? Welcome back to the channel. तो बस अगर अभी अभी आप क्लास 12th में आए हो, अभी अभी बोलना सही नहीं रहेगा, काफी टाइम हो गया है आपको 12th में आए हुए. अब आपके CISE बोर्ड ने पेपर का पैटर्न चेंज किया है. ऑब्वियस सी बात है, पेपर का पैटर्न चेंज होना था. नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स में पेपर कुछ अलग तरीके से आ रहे होंगे. जैसे अभी तक पेपर हो रहे थे आपके ट्रेडिशनल अप्रोच से, वैसे पेपर नहीं मिलेंगे. अब आपको जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसको CUET को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने पेपर का पैटर्न चेंज किया है. क्या पेपर का पैटर्न आने जा रहा है, आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स को डीकोड करने वाले हैं इन डिटेल कि भाई किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और पेपर के पैटर्न में क्या चेंज आया है बॉस. तो चलो भाई देखना शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन कि आपके पेपर में क्या पैटर्न चेंज आया है. इकोनॉमिक्स पेपर में अब आपका पेपर तीन सेक्शंस में डिवाइडेड होगा. सेक्शन ए जो आएगा 16 मार्क्स का, सेक्शन बी आपका 32 मार्क्स का आना है और सेक्शन सी भी आपको 32 मार्क्स का ही मिल रहा होगा. सेक्शन ए में क्या आने वाला है, सेक्शन ए में आपको 9 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और 7 क्वेश्चंस होंगे वो आपको छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चंस के रूप में या वन लाइन के ट्रू फॉल्स के केस में आपसे पूछे जा रहे होंगे. तो सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होने वाले हैं. तो 16 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे 1 मार्क ईच. बढ़ते हैं सेक्शन बी में. सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 8 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के कितने पार्ट होने वाले हैं, 2. मतलब यहां पर भी आपको 16 क्वेश्चन हैं. बोलने के लिए बोला जा रहा है कि 8 क्वेश्चन है भैया, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होने वाले हैं और एक क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 2 मार्क्स का है. तो 16 क्वेश्चंस यहां से भी मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स ईच, 32 मार्क्स यहां से भी आपको मिलेगा. अब बात करते हैं सेक्शन सी में. सेक्शन सी भी आपका 32 मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन कैसे आ रहे होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे जिसके 2 पार्ट होंगे और उसका जो आपका कॉम्बिनेशन है वो 2.6 है. एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 6 नंबर का. तो मतलब सेक्शन सी में सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चंस आ रहे होंगे. उसके बाद इसी सेक्शन सी में एक क्वेश्चन और मिलेगा जिसके 5 पार्ट होंगे. ये केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही. 5 पार्ट्स के होंगे तो इसमें क्या मिलने हैं आपको, 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2 नंबर के और यहां पर 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको 1 नंबर के. ये आपका एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स जो स्पेसिमन आया है उसको डिकोड कर रहे हैं हम, कुछ अपनी तरफ से नहीं एड ऑन कर रहे हैं. तो आप ISC के बच्चे हो तो एग्जैक्टली ये फॉलो कर सकते हो. अभी भाई आपको अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज बताऊं तो चैप्टर वाइज वेटेज क्या निकल कर आ रहा है, ये भी हमने डिकोड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमन पेपर ही कर रखा है बॉस. तो डिमांड से मिल रहे होंगे आपको 4 नंबर, फिर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मिल रहे होंगे 3 नंबर के क्वेश्चन. अगले चैप्टर पे आते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, वहां से आपको मिलेंगे टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन. फिर सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं. मार्केट मैकेनिज्म की वेटेज एज पर स्पेसिमेन 11 नंबर की है. उसके बाद लॉज ऑफ रिटर्न से 8 नंबर, कॉस्ट एंड रेवेन्यू से 6 नंबर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से 1 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से भी 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है और डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो कि चैप्टर नंबर 11 है एज पर फ्रैंक की किताब, वहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा होगा. अब एक बात आपको बता देता हूं, आपके पेपर में जो स्पेसिमेन है वहां पर आपको चॉइस दे रखी थी एक क्वेश्चन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का और लॉज ऑफ रिटर्न्स में, तो मैंने दोनों मेंशन कर रखे हैं. तो कुछ बच्चे जगह टोटल कर रहे होंगे तो टोटल ज्यादा आ रहा होगा, ऑलमोस्ट 88 मार्क्स का आएगा. खैर ये तो माइक्रो का वेटेज बताया है मैंने आपको. अभी आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर जो आपकी आपकी बुक में चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है बॉस. तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैप्टर, 8 नंबर की वेटेज रख रहा है. देन मनी एंड बैंकिंग आपको 8 नंबर यहां से भी. फिर आपका नेशनल इनकम की वेटेज 10 नंबरों की हो रही है. बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट से भी 9 नंबर, फिस्कल पॉलिसी से 2 नंबर और गवर्नमेंट बजट से 3 नंबर की वेटेज दिख रही है अभी तक स्पेसिमेन को जितना भी मैंने डिकोड किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको बताऊं पेपर में पैटर्न चेंज आया है बिकॉज ये कभी भी नहीं आता था. तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नया लेकर आया है हमारा CISE काउंसिल, उसने बोला है कि आपको MCQs इस पेपर में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. ऑब्वियस सी बात है CUET में MCQs आ रहे हैं तो पूछना ही पड़ेगा. तो 9 क्वेश्चंस यहां आपसे मिल रहे होंगे, 9 मार्क्स की वेटेज रख रहे होंगे. फिर न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल्स भी आपके पेपर में आ रहे होंगे अच्छे खासे. कितने नंबर के मिलेंगे न्यूमेरिकल्स, 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं. होपफुली जो आपका एक टॉपिक होगा वो होगा नेशनल इनकम से, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट से, कॉस्ट से और एक चैप्टर और है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर बात करते हैं, एक केस बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते थे हमारे CISE में, इस साल से हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी इनकॉर्पोरेट किया है और केस बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज है 10 मार्क्स.
आगे बढ़ते हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स की तरफ भी इन्होंने कुछ नो इंक्लिनेशन है कि ट्रू फॉल्स के बेसिस पर, रीजनिंग के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसकी वेटेज एक नंबर दे रखी है। आई गेस तुमको समझ में आ गया होगा कि जो हम ये स्पेसिमेन पेपर है वो डिकोड कर रहे हैं। और एक बात मैं तुमको और बता दूं, अगर तुमने अभी तक स्पेसिमेन पेपर नहीं देखा है तो भाई जाओ तुरंत डाउनलोड कर सकते हो आप सीआईसी की काउंसिल से, मैं डायरेक्ट लिंक भी कमेंट में पिन कर दूंगा बच्चा। तो इस तरह का आपका कुछ पेपर का पैटर्न आ रहा है, 16 मार्क्स का सेक्शन ए है, देन वी कैन जंप इनटू अदर क्वेश्चंस, सेक्शन बी में आएंगे। सो सेक्शन बी के अंदर आपको दिखेगा कुछ एक केस बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का, फिर आपको लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है, लास्ट में केस बेस क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपको मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। तुम जाओ अच्छा जो ये स्पेसिमेन आया है इसका हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन भी करेंगे बॉस, तो इसलिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। लाइन बाय लाइन मैं आपको इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन जितने भी आ जाएंगे, अभी तक इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का ही आया है, अकाउंटेंसी का भी स्पेसिमेन निकाला नहीं है, तो वो भी हम आपको बता रहे होंगे और पूरा पूरा सॉल्यूशन दे रहे होंगे। तो आपको यह समझ में आ गया स्पेसिमेन को जो हमने डिकोड किया है, चेंज इन जो पेपर पैटर्न आया है वो तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और अभी अभी तुम क्लास 12th में पहुंचे हो और अपना बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर देने वाले हो, मतलब 2022 और 23 के बच्चे हो, वीडियो समझ में आया तो अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करिए, अपने टीचर से जरूर शेयर करिए, और अगर आप सीनियर्स हैं 21-22 के बच्चे हैं तो ये वीडियो अपने जूनियर तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है बॉस, जल्दी से पहुंचाओ उन तक। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है सब कुछ बताने वाला हूं। वैसे अभी तक कोई सिलेबस रिडक्शन की कोई भी न्यूज नहीं है, एग्जैक्टली पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ रहा होगा, लेकिन अगला वीडियो जो आएगा वो सिलेबस के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे, एंड देन हम इस पूरे स्पेसिमेन को भी सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पता नहीं किस बात का वेट करो, जाओ चैनल सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो आने वाला है सिलेबस के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, दिस इज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।